हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट यूनिट टेन हायर एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिसमें कि हम ट्वेंटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें कि मैंने हायर uh, एजुकेशन के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है और जितने भी उनके ऑप्शन है उसको भी डिटेल में डिस्कस किया है और उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की है आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारे पास द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर तो आपको बताना है कि यूजीसी गवर्नमेंट uh, uh, के द्वारा किस ईयर uh, में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में पास किया गया था फर्स्ट ऑप्शन है 1980, एटी सेकेंड ऑप्शन है 1948, थर्ड ऑप्शन है 1950 या फोर्थ ऑप्शन है नाइनटीन Six. तो जो हमारे पास यू आया था यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन ये एग्जिस्टेंस में आया था हमारे पास दिसंबर 1953 को ठीक है 53 और जो इसका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया था ये आया था 1956, तो जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन का और जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे यूजीसी के फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो थे हमारे पास शांति स्वरूप भटनागर इससे भी आपसे क्या हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये कब एग्जिस्टेंस में आया और कब इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बींग शेप्ड इन हर क्लासरूम दिस इज स्टेटेड इन तो जो डेस्टिनी ऑफ इंडिया है वो शेप हो रही है कहाँ पे क्लास में ये किसके द्वारा बोला गया था फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन एटी ऑप्शन है नेशनल नॉलेज कमीशन टू थर्ड ऑप्शन है एजुकेशन कमीशन 1964 सिक्सटी फोर टू सिक्सटी या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 फोटी एट टू फोर्टी नाइन तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड एजुकेशन कमीशन एजुकेशन कमीशन को और आप किस नाम से जानते हो कोठारी कमीशन कोठारी कमीशन इसका नाम इनके जिन्होंने ये बनाया था डी एस कोठारी या दौलन सिंह कोठारी उसी के नाम पे ये हमारे पास पड़ा था नाइनटीन से सिक्सटी सिक्स और इसका जो हमारे पास टाइटल था वो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट ठीक है ये इसका टाइटल था और ये आ, कब आया था 1964 में और आ, किसका किसने ये बनाया था कोठारी डी एस कोठारी या दौलत सिंह कोठारी तो इन्होंने ये स्टेटमेंट बोली थी डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बिंग शेप्ड इन हर क्लासरूम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है परा विद्या मीन्स ठीक है आपको इसमें परा विद्या का मीनिंग बताना है फर्स्ट ऑप्शन है हायर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम सेकेंड ऑप्शन है लोअर नॉलेज एंड सेकुलर साइंस थर्ड ऑप्शन है नो नॉलेज या फोर्थ ऑप्शन है फोकस ऑन मैथ्स तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन हायर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम तो परा विद्या क्या होती है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी नॉलेज होती है जैसे कि हायर नॉलेज या स्पिरिचुअल विजडम जिसको हम क्या बोलते हैं uh, परा विद्या और सेकेंड जो हमारे पास होती है वो होती है अपरा विद्या अपरा विद्या क्या होती है जो की है ऑप्शन नंबर सेकंड लोअर नॉलेज एंड सेकुलर साइंसेस जो साइंसेस हम आजकल पढ़ते हैं और जो जो नॉलेज क्या की सकती है इजीली शेयर की जा सकती है उसको क्या बोलते हैं हम अपरा विद्या या लोअर नॉलेज एंड सेकुलर साइंस ठीक है तो इस तरीके के जितने भी टर्म्स है एनिशंट इंडिया में जितनी भी हमारे पास डिफरेंट टर्म्स होती थी या बुद्धिज़्म से रिलेटेड होगी ठीक है या हमारे पास रिलेटेड होगी जैनिज्म से रिलेटेड टर्म्स होगी या उपनयन वर्ड है एक तो इस तरीके की जो मेजर टर्म्स है ये क्या होनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए ठीक uh, है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज टर्म्स एट टर्म्ड एट मैगना काटा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया तो आपको बताना है कि किस डॉक्यूमेंट को हमारे पास मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स वुड डिस्पैच सेकेंड ऑप्शन है मैकेलेज मिनट थर्ड ऑप्शन एल्फी स्टोन्स मिनट्स या फोर्थ ऑप्शन है वारदा सिस्टम तो जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन है वो बोला जाता था हमारे पास वुड डिस्पैच को तो so, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का तो so, जो वुड डिस्पैच था ये आया कब था 1854 में ठीक है और जो हमारे पास मैकेलेज मिनट है ये आया था हमारे पास 1835 में और वर्धा स्कीम जो कि रिलेटेड किससे है बेसिक एजुकेशन से वो कब आई थी हमारे पास नाइनटीन में ठीक है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव नेशनल नॉलेज कमीशन जिसको एन के सी बी बोला जाता है वॉज हेडेड बाय तो नेशनल नॉलेज कमीशन किसने हेड किया था फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसर अनिल काकोदर सेकेंड ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल थर्ड ऑप्शन है सैम पित्रोडा या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अब तो इसका जो हमारे पास राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सैम पित्रोडा और नेशनल नॉलेज कमीशन हमारे पास आया कब था ये आया था टू थाउजेंड फाइव में ठीक है और कौन थे उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ठीक है आया कब था टू थाउजेंड फाइव में नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पास क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो आपको बताना है कि किस स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सेकेंड ऑप्शन है डेली थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी या फोर्थ ऑप्शन है अबव तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड दिल्ली uh, और दिल्ली में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सेवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आपके पास चार ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपको बताने की कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके पास नहीं है या कौन सी इनमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी थी तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन द मेन एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज़ तो आपको नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जिसको हमारे पास एन भी बोला जाता है शॉर्टकट फॉर्म में एन का आपको क्या बताना है मेन एम बताना है फर्स्ट ऑप्शन है टू ओपन कॉलेज कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेकेंड ऑप्शन है टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन थर्ड ऑप्शन है टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन या फोर्थ ऑप्शन है टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू कॉलेज ऑफ एजुकेशन तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन तो जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेज होते हैं उसमें जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है हमारे पास वो कौन करता है एन तो हमारे पास एन आया कब ठीक है एन का जो हमारे पास एन का जो हमारे पास एक्ट है वो आया था नाइनटीन में ठीक है और जो जब ये एस्टेब्लिश हुई जब ये स्टेटरी बॉडी बनी तो ये बॉडी स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी जब ये बनी ये कब बनी नाइनटीन नाइन्टी में ठीक है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एन का एक्ट कब आया तो वो आया था 1993 में और जब एन सी टी को एन्फोर्स uh, किया गया ठीक है वो वो कब हुआ था नाइनटीन नाइनटीन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप द नेशनल असेसमेंट एंड एकशन काउंसिल तो आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल को बनाया ठीक है जिसको बोला जाता है हमारे पास नेक ठीक है फर्स्ट ऑप्शन है ए आई सी टी ई सेकेंड ऑप्शन है यू जी सी थर्ड ऑप्शन है एम एच आर डी या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने सेटअप किया था नेक को तो वो थी यू जी सी तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है क्वेश्चन नंबर एट का ये हमारे पास क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा और नेक को एस्टेब्लिश कब किया गया नै को एस्टेब्लिश किया गया 1994 में ठीक है जैसे कि हमारे पास बोला भी जाता है कॉलेज में इन कॉमन वे की नै की टीम इंस्पेक्शन के लिए आई या कॉलेज़ में या यूनिवर्सिटीज़ में तो नेक क्या करता है यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जो होते हैं हमारे पास हायर एजुकेशन के उनको क्या करता है ये एग्रिडिएट करता है और मार्क्स देता है फोर में से कि कि कितनी आपको कितना आपका कॉलेज अच्छा है और वो कॉलेज अच्छा है या यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करता है उनका असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है लिस्ट ऑफ सेवन असेसमेंट क्राइटेरियाज फॉर द नेक एक्रेडेशन तो नेक क्या करता है वहाँ पर सेवन असेसमेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या करता है uh, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को क्या करता है एग्रेडिएट करता है तो वो सेवन क्राइटेरियाज़ uh, कौन कौन से होते हैं वो होते हैं करिकुलर एस्पेक्ट्स टीचिंग लर्निंग इवेल्यूएशन रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिस तो इन सेवन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम नया क्या, क्या करता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एग्री डी एड करता है तो ये भी आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन द चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सॉन्ग स्टेट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ तो आपको पता नहीं है जो चाइनीज ट्रैवलर थे सांग वो किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया था स्टे किया था फर्स्ट ऑप्शन है विक्रमशिला सेकेंड ऑप्शन है नालंदा थर्ड ऑप्शन है तक्षशिला या फोर्थ ऑप्शन है काशी uh, तो इसका जो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड नालंदा ठीक है और ये सांग नालंदा यूनिवर्सिटी कौन सी से सेंचुरी में आए थे सेवन्थ सेंचुरी में एनिशियट uh, यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं जैसे कि विक्रमशिला हो गया तक्षशिला हो गया नालंदा हो गया इनकी जो मेन करैक्ट्रिस्टिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए और आज के प्रेजेंट इंडिया में ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे हैं फॉर एग्जांपल नालंदा कहाँ है या विक्रमशिला कहाँ है या तक्षशिला जो कि हमारे पास पाकिस्तान में है मतलब इस तरीके से आपको जो एक्सेप्शनल uh, टर्म्स जैसी होती है जैसे कि uh, वो क्या होनी चाहिए आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि एनिशेंट यूनिवर्सिटीज़ आप से आपसे क्वेश्चन हर बार ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन the first committee to be constituted after the independence by the government of India on women's education was तो आपको बताना है कि पहली गवर्नमेंट कौन सी कमेटी थी जो कि इंडियन आ, आ, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ही क्या हुई थी वुमेन के लिए वुमेन एजुकेशन के लिए क्या हुई थी बनी थी ठीक है कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन सेकेंड ऑप्शन है द मुद्दालियर कमीशन थर्ड ऑप्शन है द श्री, श्री सरी प्रकाश कमेटी या फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी और ये कब आई थी हमारे पास ये थी नाइनटीन फिफ्टी एट में राधा कृष्ण राधा कृष्णन कमीशन हमारे पास कब आया था नाइनटीन फोर्टी एट में और जो मुद्दारिल कमीशन है ये आया था हमारे पास नाइनटीन फिफ्टी टू में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इलेवन सी ए बी ई वॉज सेटअप इन दर तो आपको बताना है सी ए बी ई -E कब हमारे पास सेटअप किया गया था तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सी ए बी की फुल फॉर्म क्या होती है ठीक है तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर वन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव ऑप्शन नंबर सेकेंड एटीन फिफ्टी सेवन ऑप्शन नंबर थर्ड नाइनटीन फिफ्टी सिक्स या ऑप्शन नंबर फोर नाइनटीन नाइन्टी टू तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाइनटीन नाइनटी फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है ऑप्शन नंबर वन तो सी ए बी ई सी ए बी ई की जो वहां पर फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ठीक है ये होता है वहां पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो कि सेटअप कब हुआ था 1925 uh, ट्वेंटी फाइव में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो कि है हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग तो आपको एक्स ऑफिसो चेयरमैन बताना है नीति आयोग का कौन होता है फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजिडेंट सेकेंड ऑप्शन है वाइस प्रेजिडेंट थर्ड ऑप्शन है स्पीकर या फोर्थ ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पास क्वेश्चन नंबर थर्टीन राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE makes ई mandatory to provide free and compulsory education for the children age group between तो आपको बताना है जो आर टी ई एक्ट है वो हमारे पास मैंडेटरी करता है फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए चिल्ड्रंस को तो वो आपको एज ग्रुपना है कि कौन से एज ग्रुप के चिल्ड्रन को वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो है सिक्स एंड फोर्टीन ईयर्स सेकेंड ऑप्शन है सिक्स एंड ट्वेल्व ईयर्स थर्ड ऑप्शन है एट एंड फोर्टीन ईयर्स या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव तो इसका जो हमारे पास राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स तो जो हमारे पास आर टी ई एक्ट आया था जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये हमारे पास आया था एक्ट टू थाउजेंड नाइन में ठीक है और ये एनफोर्स कब हुआ एनफोर्सड ऑन अप्रैल टू थाउजेंड टेन में और जो ये आर टी ई एक्ट है इसको हमारे पास कौन से जो हमारे पास फंडामेंटल राइट में आता है ये क्योंकि मैंडेटरी होता है कि आपको प्रोवाइड करानी है एजुकेशन छः से चौदह साल के बच्चों को तो ये जो हमारे पास एक्ट आया है ये ये इंक्लूड होता है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो कि है राइट टू एजुकेशन एक्ट ठीक है ये भी क्या है एक फंडामेंटल राइट है और एज ग्रुप तो आपको पता ही चल गया होगी सिक्स से टीन ईयर्स के बीच के स्टूडेंट्स का क्या करना है आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आपको देनी ही देनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एन आई आर एफ स्टैंड फॉर ठीक है ये भी आपसे प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेशनल रेपोजिट्री फंड सेकेंड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल फ्लॉक्स थर्ड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क या फोर्थ ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क तो इसका जो हम आपसे तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ठीक है एन आई आर एफ क्या करता है आपके पास हायर एजुके जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं डिफरेंट एरियाज के जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज उनको क्या करता है ये रैंक करता है ठीक है तो जो एन आई आर एफ की रैंकिंग होती है वो वो जो है 2023 की ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में भी आपसे पहले क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है तो मैं आपको बताती हूँ कि एन की सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल रैंकिंग की ठीक है ओवरऑल रैंकिंग में जो फर्स्ट uh, है जिसने टॉप किया है तो वो है आई मद्रास ठीक है फिर हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटीज़ में जो एन की रैंकिंग में जिसने टॉप किया है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसिस जो कि कहाँ हैं बेंगलुरु ठीक है बेंगलुरु में थर्ड बात जो कि हाँ, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें जैसे ओवरऑल आपने याद कर लिया गया आई आई टी मद्रास है और यूनिवर्सिटी में टॉप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसिस बेंगलोर और जो कॉलेज में टॉप किया है वो किया है मिरान्डा हाउस ठीक है Uh, क्या कहते हैं फिर आप याद रखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज का ठीक है इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसने टॉप किया है वो क्या है फिर से किसने आईआईटी मद्रास ठीक है और आपको याद रखना होगा जैसे मैनेजमेंट का मैनेजमेंट में जो uh, टॉप रैंकिंग मिली है वो मिली है आईआईएम आई एम अहमदाबाद को ठीक है और जो एक आप और याद रख लीजिए जो कि है मेडिकल का मेडिकल uh, में जो जिसने टॉप किया है वो है एम्स डेली ठीक है तो इस तरीके से आपको एन की रैंकिंग याद होनी चाहिए एटलीस्ट आपको ये छः रैंकिंग तो याद होनी ही चाहिए ठीक है uh, और एन आई आर एफ़ की क्राइटेरियाज कितने uh, क्राइटेरिया एन आर एफ़ का क्राइटेरिया भी आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए कि, कि किस बेसिस पे क्या होता है एन आई आर एफ किसी भी इंस्टीट्यूट को क्या करता है रैंक करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि इसे प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर इज गिवन बाय ठीक है तो आपको बताना है कि फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री का फार्मूला किसने दिया है फर्स्ट ऑप्शन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड ऑप्शन है कोठारी कमीशन थर्ड ऑप्शन है एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव तो जो फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री थ्री प्लस फोर का फॉर्मूला है ये दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी ने तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का इससे पहले जो कठारी कमीशन है उन्होंने फार्मूला किसका दिया था टेन प्लस टू प्लस थ्री का ठीक है आज से पहले हम ये वाला फार्मूला पढ़ते थे पर जब से जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी या ऑलमोस्ट हो भी चुकी है तो उसमें किसका फॉर्मूला होगा फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर का तो ये जो फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर है ये है क्या चीज़ तो इसमें क्या होगा कि आपके पास फाइव ईयर जो है शुरू के ये होगा फाइव थ्री थ्री एंड फोर तो जो फाइव होगा उसको बोलेंगे फाउंडेशनल पीरियड ठीक है फाउंडेशनल पीरियड में भी दो जगह में डिवाइड होगा पहले तीन साल का और फिर दो साल का तीन साल में आप या तो आंगनवाड़ी में होंगे या प्री स्कूल्स में होंगे या तो क्या होंगे बाल वाटिका में होंगे जो कि कितने साल से होगा तीन से छः साल तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब जो स्कूल्स में बच्चों की एडमिशन होगी वो कितने साल से होगी छः साल से जब बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा किसी भी स्कूल में तो वो कितने साल में जाएगा छः साल में ठीक है ये भी आपको पता होना चाहिए और उसके बाद छः से आठ साल तक होगा वो, वो सेकेंड क्लास में तो जब वो नेक्स्ट जो है प्रेपटरी स्टेज वो है नेक्स्ट स्टेज जो कि होगा थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास नेक्स्ट है मिडिल मिडिल होगा सिक्स क्लास से एट्थ क्लास और जो लास्ट होगा वो होगी सेकेंडरी स्टेज जो कि नाइन्थ से प्लस टू जो कि होगी इन बिटवीन द एज फोटीन टू एटीन तो ये है हमारे पास न्यू एजुकेशन का न्यू एकेडमिक सिस्टम जिसमें कि हम फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर के फॉर्मूले की बात करते हैं इसके क्या होने चाहिए आपको ये जो इनके पीरियड के स्पेसिफिक नेम है फाउंडेशनल प्राइपिटेरी या मिडिल या सेकेंडरी के भी आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास है इससे एक और भी ज़रूरी टर्म रिलेटेड हो जाती है तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने बहुत सारी न्यू न्यू टर्म्स के बारे में बात की है तो इसमें से एक टर्म यह भी ज़रूरी है कि न्यू एजुकेशन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन को बनाने की ठीक है जो इन्होंने जिस बॉडी को बनाने की इन्होंने बात की है वो है एच जिसको हम बोलते हैं एच सी e आई जो कि है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसमें कि हम जित जिसमें कि कितने वर्टिकल्स हैं जिसमें हैं चार वर्टिकल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चार वर्टिकल्स कौन से हैं एन एच ई आर सी जो कि क्या है नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल जो कि किससे रिलेटेड है रेगुलेशन से ठीक है रेगुलेशन सेकेंड है हमारे पास जी ई सी जी ई सी क्या है जनरल एजुकेशन काउंसिल जो कि क्या करेगा हमारे पास स्टैंडर्ड बनाएगा किसके हायर एजुकेशन के थर्ड है हमारे पास एच ई जी सी जो कि क्या है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो कि है जो कि रिलेटेड किससे होगा ग्रांट से जो कि रिलेटेड किस होगा फंड से तो जो हमारे पास थर्ड थी एच ई जी सी थर्ड वो किससे रिलेटेड थी हमारे पास ग्रांट से जो कि एक ग्रांट काउंसिल और उसमें किसकी बात करेंगे है? हम फंडिंग की ठीक है फोर्थ जो हमारे पास वो है एन ए सी जो कि है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल जो कि रिलेटेड किससे है ठीक है तो ये जो चार टर्म्स थी वो पहले वाला इरेज हो गया उसके लिए सॉरी ये जो चार वर्टिकल्स हैं हायर एजुकेशन के अंडर जो कि रेगुलेटरी बॉडी किसने बनाई है एनईपी ने बनाई है ये भी क्या है एक जरूरी टर्म हो जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पास क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज फिगर्स वॉज रिकमेंडेड बाय बोथ कोठारी कमीशन एंड नेशनल पॉलिसी दैट शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन नाइनटीन तो आपको बताना है कि कितना परसेंटेज ऑफ जी को स्पेंड uh, करने की बात हुई थी हमारे पास एजुकेशन पे फर्स्ट ऑप्शन है फोर परसेंट ऑफ जी डी पी सेकेंड ऑप्शन है फाइव परसेंट ऑफ जी डी पी थर्ड ऑप्शन है सिक्स परसेंट ऑफ जी डी पी या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सिक्स परसेंट ऑफ जी डी पी तो एजुकेशन पे कितने परसेंट ऑफ जी डी पी खर्च होना था सिक्स परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन तो आपको बताना है कि नेशनल मिशन ऑन नेशनल लिटरेसी मिशन कब एस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट ऑप्शन है नाइनटीन नाइनटी सिक्स सेकेंड ऑप्शन है नाइनटीन एटी एट थर्ड ऑप्शन है नाइनटीन नाइन्टी नाइन या फोर्थ ऑप्शन है टू थाउजेंड तो इसका जो हमारे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड नाइनटीन एटी एट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडीज डज नॉट इन्जॉय स्टैचूटेरी स्टेटस एज ए प्रोफेशनल बॉडी ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया बी ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सी ऑप्शन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है या ए आई सी टी ई या ऑल जिसको हम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टी टेक्निकल एजुकेशन भी बोलते हैं या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये सारे क्या है स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ठीक है तो जो इनमें से नहीं है वो कोई भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इग्नो वॉज सेटअप इन दयर तो आपको बताना है कि इग्नो कब सेटअप हुआ था फर्स्ट ऑप्शन है नाइनटीन एटी फाइव सेकेंड ऑप्शन है नाइनटीन एटी एट थर्ड ऑप्शन है नाइनटीन नाइन्टी वन या फोर्थ ऑप्शन है नाइनटीन नाइनटी टू तो इसका जो हमारे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नाइनटीन एटी फाइव लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस हु इज एग्जीक्यूटिव हेड तो आपको बताना है यूनिवर्सिटी गवर्नेंस में कौन एग्जीक्यूटिव हेड होता है फर्स्ट ऑप्शन है चांसलर सेकेंड ऑप्शन है वाइस चांसलर थर्ड ऑप्शन है रजिस्ट्रार या फोर्थ ऑप्शन है डीन ऑफ स्टडीज तो इसका जो हमारे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाइस चांसलर तो जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनिवर्सिटी गवर्नेंस में वो होता है वाइस चांसलर तो ये थे हमारे पास हायर एजुकेशन यूनिट नंबर टेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है ठीक है इससे पहले भी मैं अपने YouTube चैनल पे डिफरेंट जितने भी यूनिट्स है यूनिट फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एर्ट नाइन्थ इसकी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुकी हूँ uh, जिसमें कि हमने डिटेल डिस्कशन किया है जिसके जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी क्या हो जाएगी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप पेपर वन में अच्छा स्कोर कर पाओगे आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी इसके बाद भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग